जब मैं छोटी थी ना तो ये सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनाकर आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो इस बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक सब्जी को स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जी को बोलते हैं तोंडली, मराठी में तोंडली बोलते हैं, टेंडली भी बोलते हैं, और इसको कुंदरू भी बोलते हैं, हिंदी में कुंदरू बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही फ्रेश तोंडली ली है, और इसको हम इस तरह से पहले काट लेंगे। ये जो सब्जी है ये काट कर आपको दिखाती हूँ, तो अंदर से बिल्कुल ग्रीन है, इसमें से अगर काटते हो तो अंदर से लाल भी निकलती है। तो अगर ये लाल टेंडली निकलती है तो उसकी आप सलाद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स भी लाल कलर की भी ली है और ग्रीन कलर की भी ली है। तो इस तरह से जो सारी टेंडली है इसको मैं काट कर आपको जल्दी से दिखा लेती हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो जल्दी से इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी टेंडली को काट दिया है इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेड भी ली है और ग्रीन भी ली है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर मैंने पहले से ही कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तेल भी हम इसमें डाल चुके हैं। अब इस जो टेंडली है इसको हम तेल में हल्के से फ्राई करेंगे। तो इसको हमें जलाना नहीं है, गैस को हम बिल्कुल धीमी आँच पे रखना है और इस टेंडली को हम भून लेंगे। यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुके हैं इस टेंडली को भूनते भूनते, तो और 5 मिनट तक इसको हम भून देंगे। तो सारे टेंडली को हमने अच्छे से भून लिया। तो फिर से हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, और इस तेल में हम एक बड़ा प्याज काट कर इस तरह से मैंने लंबा काटा है, आप छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो लंबा मैंने यहाँ पे प्याज काटा है, एक प्याज मैंने लिया है यहाँ पे। तो इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज यहाँ पे अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ टमाटर, और इस दोनों को फिर से भून लेंगे। प्याज और टमाटर को भूनना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और धना पाउडर भी हमने इसमें ऐड किया है। दोनों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाले हम ज़्यादा ऐड नहीं करने वाले यहाँ पे, क्योंकि जो ग्रीन सब्जी होती है उसका जो स्वाद है अपना खुद का अलग होता है, और ये जो मसाले हैं हम डालकर वो जो स्वाद है उसको हम ख़त्म नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे ने जो भुनी हुई टेंडली थी वो भी हमने उसमें ऐड की है, और 2 मिनट तक इस प्याज और लहसुन के साथ, प्याज लहसुन और टमाटर के साथ इसको फिर से एक बार भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, और फिर से एक बार मिक्स करेंगे। तो इसके साथ साथ हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कोल्हापुरी मसाला होता है, महाराष्ट्रीयन जो कोल्हापुरी मसाला होता है वो हमने ऐड किया है, तो वो भी स्वादानुसार आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर से एक बार इसको भी भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो भुनी हुई मूंगफली होती है उसका हमने पाउडर बनाया है, दरदरा पाउडर बनाया है, वो भी हम ऐड करेंगे। तो जो भी महाराष्ट्रियन जो सब्जी होती है तो उसमें ये जो मूंगफली का जो पाउडर होता है वो ज़रूर डलता है, उससे जो सब्जी हमारी वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी, ज़रूरत के अनुसार पानी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये जो सब्जी है दाल और चावल जो हम खाते हैं उसके साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पतले रखिएगा। अगर आप ये जो सब्जी है रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बातों बातों में मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता भी ऐड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखकर इस रेसिपी को यानी इस सब्जी को थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार है हमारी कुंदरू यानी
टेंडली यानी तोंडली की सब्जी, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको रोटी चावल भाकरी के साथ खा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं। आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो इस सब्जी को आप बनाकर सबको खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टेंडली की सब्जी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ये इस रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय।